चिकन को मैरिनेट करेंगे हम, और मैरिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दही हमने लिया हुआ है, थोड़ा ये दही है तकरीबन आधा पाव, इसमें हम जो है दो जो पैक है क्रीम के वो डाल देंगे। ये नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम है, फ्रेश क्रीम, ये तकरीबन है 200 ग्राम, और 200-200 ग्राम के दो पैकेट हम जो है वो क्रीम के डालेंगे इसमें। ये क्रीम डाल दी हमने, और ये पेस्ट जो है ये मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें हरी मिर्च है, हरा धनिया है, पुदीना है, और इसमें अदरक है, लहसुन है, ये सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके तो ये रख लिया है। अब हम ये भी सारा मसाला इसमें डाल देंगे। तो इसके साथ साथ अब हम इसमें नमक मिर्चें भी डालेंगे। नमक मिर्चों में ये हम एक टेबलस्पून जो है गरम मसाला है, ये दो टेबलस्पून गरम मसाला डाल दिया। ये काली मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर, ये तकरीबन हम डाल देंगे डेढ़ टेबलस्पून, और उसके साथ ये धनिया पाउडर है, ये तकरीबन मैं दो टेबलस्पून डाल रहा हूँ। सुरख मिर्च जो है वो हम एक टेबलस्पून ही डालेंगे, क्योंकि ब्लैक पेपर हमने डाली है, उसके साथ हमने जो है वो हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं। तो अब हम इसमें तकरीबन तीन टेबलस्पून जो है वो साल्ट डालेंगे, ये तीन चम्मच जो है वो नमक डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास तकरीबन तीन केजी गोश्त है चिकन का, छोटी की हुई बोटी है, और साथ में ये जो हमने मसाला बनाया था मैरिनेट के लिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे गोश्त के साथ। इस पेस्ट और गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करके तीन से चार घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। तेल या पेट्रोल के साथ कोयलों को जला सकते हैं, हमने पेट्रोल यूज़ किया कोयलों को जलाने के लिए, और अच्छी खासी हवा देनी पड़ती है, उसके बाद कोयले अब देखें बिल्कुल तैयार हैं। तकरीबन तैयार हो गए हैं, और देखते हैं फिर इसका टेस्ट कैसा है। देखिए आप इसका जो है ना वो कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि ब्राउन, जैसे ही ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपका जो टिक्का है वो तैयार है, मोटी बिल्कुल तैयार हो।